कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह खबर इतनी चौंकाने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रूह कांप उठेगी। सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जो चीख चीख कर यह कह रहा है कि डॉक्टर बिटिया की हत्या अस्पताल में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी की पत्नी ने एक ऐसे राज खोले दिया है जिसके बाद असली दरिंदे बिल में घुसे मेदक की तरह छटपटाने लगे हैं। जिस व्यक्ति को अब तक सभी आरोपी मान रहे थे और अपराधी समझा जा रहा था, वह वास्तव में असली आरोपी नहीं निकला। जैसे ही असली दोषी का नाम सामने आया तो लोगों का दिमाग हिल गया। सच्चाई को जानकर हर कोई दंग रह गया। हकीकत यह है कि दरिंदगी की यह घिनौनी घटना के बारे में कहा जा रहा था कि जो अस्पताल में डॉक्टर के साथ घटना हुई, वास्तव में वहां घटना हुई ही नहीं थी। अब जाकर इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस वीडियो को अब तक दिखाया जा रहा था वो रियल वीडियो ही नहीं था, लेकिन जिस वीडियो को मैं आगे दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आप शायद ही अपने शरीर को काबू में कर पाए। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि उस बेटी के लिए वी वॉन्ट जस्टिस कॉमेंट करे, ताकि हमारी बहन के अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन उस वीडियो में आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। उस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी अस्पताल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी शायद यह सोचा होगा कि उसने कैसे ऐसे दरिंदों को बना दिया जो अपनी वासना की प्यास बुझाने के लिए एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो गए। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और हर किसी का दिल दहला देने वाली है। इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो हृदय विदारक घटना को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। डॉक्टर बिटिया का परिवार इस घटना को जीवन भर नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे कि डॉक्टर बिटिया का कातिल सिर्फ संजय राय है तो आप पूरी तरह से गलत है। अब इस मामले में बड़े खुलासे हो चुके हैं और सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। आज हम आपको उन सबूतों के साथ वह सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे अपने आज तक ना सोचा होगा और ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। यह सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है जिसे जानने के बाद आप तंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया? यकीन मानिए, कोलकाता के डॉक्टर बिटिया केस में जो बातें सामने आई हैं उनसे यह तो तय हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि उस रात सही में हुआ क्या था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक निवेदन करते हैं। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस ऑफ कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। हमारी पूरी टीम ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना न भूले। दोस्तों, जैसा कि सीबीआई की पूछताछ में संजय राय ने बताया कि जब वह अस्पताल के समीप उसने देखा कि डॉक्टर बिटिया के मृत शरीर पहले से ही वहां खून से लथपथ पड़ी थी, यह देखकर वह घबरा गया और लड़खड़ाते हुए किसी चीज से टकरा गया जिससे उसका ईयरफोन वहां पे गिर गया। दोस्तों, उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया को उसने नहीं मारा है। दूसरी ओर सीबीआई को एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला जिसमें दिखाया गया कि जब डॉक्टर बिटिया चेस्ट मेडिसिन रूम की ओर जा रही थी उनका पीछा करते हुए उसी दिशा में जाते हुए देखे गए। इसके अलावा एस मेडिसिन रूम की गहराई से जांच की गई तो वहां 10 लोगों के पैरों के निशान पाए गए, जबकि सेमिनार हॉल में किसी के पैरों के निशान नहीं मिले। अब सवाल यह उठता है कि बिटिया की हत्या वास्तव में चेस्ट मेडिसिन रूम में की गई थी या उसके साथ एक भयानक अपराध हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीआई को भ्रमित करने के लिए यह कोशिश की गई कि असली घटना का पता ना चले। जो डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना अपराध हुआ था, सीबीआई को उलझाने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया जिसे उन्हें यह पूरी तरह विश्वास हो जाए कि अपराध सेमिनार हॉल में ही हुआ था या कहीं और। इसके बाद सीबीआई का सारा ध्यान सेमिनार हॉल और उसके आदि केंद्रों की खुशी में उलझी रही। असल में डॉक्टर बिटिया के साथ अपराध के तुरंत बाद सेमिनार हॉल को जिस तरह से तोड़ा गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, यह सब करने के लिए किया था। अपराधी के मास्टरमाइंड का पूरा खेल उजागर हो गया है। दरअसल सीबीआई को एक पत्र मिला जिसे संदीप घोष ने लिखा था। पत्र में संदीप घोष ने
पीडब्ल्यूडी से सभी विभागों के डॉक्टरों के कमरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कहा था। पहले यह समझा जा रहा था कि रिनोवेशन का निर्देश है किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन यह पत्र मिलने के बाद स्पष्ट हो गया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने की जल्दी थी। जांच कर रहे अधिकारियों का क्या बात साफ हो रही है कि घोष को रिनोवेशन की काफी जल्दी थी। इस दस्तावेज डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर केस में एक महत्वपूर्ण बड़ी साजिश हो सकता है। डॉक्टर बिटिया की रिपोर्ट के अनुसार असली कातिल केवल संजय राय को माना जा रहा है, लेकिन संदीप के घोषणा पत्र मिलने के बाद अपराध स्थल को नष्ट करने और 150 ईमेलसी मन मिलने जैसे तत्वों को देखते हुए इसमें और भी शक्तिशाली लोग शामिल हो सकते हैं। इस शक्तिशाली समूह के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वे डीएनए रिपोर्ट को भी पैसे देकर बदलवा सके। इतना करते हैं, रिपोर्ट में हेरफेर भी संभव है। यही वजह है कि यह मानना मुश्किल हो रहा है इस सिर्फ संजय राय ही इस अपराध में शामिल था। संदीप घोष के अलावा अन्य प्रभावशाली वीआईपी अभी भ्रमित है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों से कहा है कि वे 150 मिलीलीटर जीवन के आधार पर फिर से डीएनए रिपोर्ट तैयार करें और बारीकी से जांच करें, क्योंकि अभी भी भ्रम की स्थिति है जो सबूत सामने आ रहे हैं। उन्हें देखते हुए यह मानना कठिन है कि संजय राय की पूरी अपराध का अकेला जिम्मेदार था। अब दोस्तों जान लेते हैं कि वे कौन से साबुन बता रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर अस्पताल में नहीं बल्कि किसी और जगह हुआ था। हाल ही में खबर आई है कि सीबीआई और ईडी को संदीप घोष के एक आलीशान फार्म के बारे में जानकारी मिली है। जैसे ही सीबीआई को यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत संदीप घोष के फार्म हाउस पर छापा मारा और जो उन्होंने वहां पाया आपको हैरान कर देगा कि फार्म हाउस में दाखिल हुई और चारों तरफ बारीकी से जांच पड़ताल की, कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। फार्म हाउस में एक गुप्त कमरा था जिसका प्रवेश के बीचों बीच पर एक छोटा था जिससे डरकर छुपाया गया था ताकि किसी को इस तहखाने का पता ना चले। जब सीबीआई उस कमरे में पहुंची तो उन्हें कई अहम सबूत को अंतिम चरण में पहुंचा सकते हैं। फार्म हाउस के कमरे में अजीबोगरीब चीजें पड़ी थीं और वहां से एक बदबू भी आ रही थी। लूट रहे हैं, यह बाल डॉक्टर बीडी आते हैं या किसी और के, इस फार्म हाउस को लेकर एक अधिकारी की पत्नी ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे सीबीआई ने बताया कि इस फार्म हाउस पर अक्सर पार्टियां होती थीं, जहां बाहर से लड़कियों को बुलाया जाता था, जिनमें से कुछ अस्पताल की भी होती थी। यह सब अक्सर शनिवार और रविवार को होता था। पति ने बताया था कि उसके पति जो फार्म हाउस पर संदीप कौन से अस्पताल से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा करने गए थे, उन्होंने बाहर जो देखा और थोड़ी देर बाद ही लौट आए। यह बताया जा रहा है कि फार्म हाउस संदीप घोष की पत्नी के नाम पर है और करोड़ों की लागत से बना हुआ यह फार्म हाउस में बेहद आलीशान है, जिसमें स्विफ्ट 2 बीघा जमीन पर बना हुआ है और इसके आसपास सैकड़ों बीघे जमीन फैली हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक निजी कंपनी इस समय काट कर भेज रही है। अब सीबीआई को फार्म हाउस से चौपाल मिले हैं, वे इस केस में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। अगर यह बाल डॉक्टर बिटिया के पाए जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता। रेप और मर्डर इसी फार्म हाउस के कमरे में हुआ था। जरा सोचिए, उस दिन अस्पताल में मरीज भी थे, उनके परिजन भी थे और महिला डॉक्टर उनका इलाज कर रही थी। अस्पताल पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि वहां कोई भी नहीं था। अस्पताल में इतनी हलचल के बावजूद डॉक्टर बिटिया के साथ हुए इस जघन्य अपराध की किसी को भनक है, किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? इसके अलावा डॉक्टर बिटिया मरीज का इलाज कर रही थी तो क्या उन लोगों को बीच बीच में उनकी जरूरत नहीं पड़ी होगी या कोई सेमिनार हॉल तक नहीं गया? अभी अमित कर रहे हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि पताल में इतना बड़ा प्राप्त हो सके और किसी को पता ना चले कि यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर अस्पताल में नहीं हुआ, तो यह संभव है कि यह अपराध फार्म हाउस में हुआ हो। अब तक की रिपोर्ट पर है। इस मामले की सच्चाई को सामने लाए कि सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका नतीजा सामने आए और डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले। अगर इस मामले में कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया तो यकीनन सच्चाई सामने आएगी और असली अपराधी पकड़ा जाएगा, उसे फांसी की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर बिटिया के असली कमेंट में अपनी राय जरूर दें।